अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे अल्लाह के फजल से। मैं भी ठीक हूँ। जो मैं चैनल पर नहीं हूँ, मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब से कमेंट करना मत भूलना। आप जहाँ भी नहीं हंसते हैं, मुस्काते हैं, खुश हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको देखने के लिए बड़ा कुछ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपने मेरी ये वाली वीडियो में आपने मेरी लास्ट तक जरूर वॉच करनी है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने एक रेसिपी बनाने जा रही है। रेसिपी का नाम मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ गाँव का व्यू। ये देखें जी, हमारे खेत में देखें जी कितनी ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं, और हमने तोड़ भी नहीं। कितनी रेड रेड, कितनी इधर ग्रीन भी हैं, रेड भी हैं, कितनी प्यारी लग रही थी। देखिए सो फ्रेंड्स, मम्मा ने तोड़ी हैं तो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। वाओ गाइस, सो फ्रेंड्स इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। और ये देखें जी मिर्चें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, रेड और ग्रीन ग्रीन सी। सो फ्रेंड्स देखें जी, और भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत 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 ही ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा ये है भिंडी, लेडी फिंगर भी जिसको कहते हैं। देखिए जी, यहाँ पे हमारे खेत में हर एक वेजिटेबल लगी हुई है। और देखें जी, यहाँ पे और भी भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। फिर जो लोबिया हैं, और इसको फलियाँ भी बोलते हैं, इसको लोबिया आप समझ लें, लोबिया और फलियाँ एक ही होता है। लोबिया फलियाँ बड़ी मज़े की बनती हैं, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। शायद मैंने लोबिया फलियों की वीडियो नहीं दिया, लेकिन जल्द वो भी मैं आपको वीडियो दे दूँगी, फिर वो भी मज़े से बना के खाना। फिर देखें जी, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। देखें जी, यहाँ पे चींटियाँ घूम रही हैं इतनी धूप में। फ्रेंड्स, आपको हमारा एक खेत का छोटा सा व्यू अच्छा लगा, उसके साथ है वाला हमारा तालाब है, और ये बहुत ही प्यारे से कबूतर हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखें जी, अभी बाहर निकले हुए हैं और अभी पानी पी रहे हैं, और मुझे कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं। और देखें जी, माशाल्लाह कितने प्यारे लगे हैं, एक जगह पे वाइट कबूतरों का झुंड, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, क्यूट से वो देखें। कोई कहीं का घूम रहा, कोई कहीं का घूम रहा, बाहर निकले हुए हैं, हर वक्त तो अंदर ही बंद रहते हैं, तो कभी उड़ जाते हैं, कभी कहीं खेल रहे होते हैं, कभी कहीं खेल रहे होते हैं। फ्रेंड्स, ये है कैक्टस, हाथ लगाना नहीं, कांटे लग जाएंगे। लेकिन ये पौधा कितना प्यारा लगा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने तो एक खेत का व्यू थोड़ा सा इंजॉय कर लिया होगा, लेकिन जो आज रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है देसी मुर्गे का शोरबा, बड़ा मज़े का बनता है। अभी घर जाके वो बनाएंगे, और लेकिन दिल कर रहा है ऐसे जाए ना, लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये है चारा काटने वाली मशीन, जिससे हम लोग गाँव को चारा गायों को चारा काट के देते हैं। कोई होती है ना इलेक्ट्रिक, और दूसरी होती है हाथ वाली। सो फ्रेंड्स देखें जी, कितनी प्यारी गायें हैं, और ट्यूटी पाई, और ये है नलका, उसका इंग्लिश में हैंड पंप भी कहते हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। फ्रेंड्स देखें जी, ये है कितने प्यारे, कितने छोटे से अमरूद हैं, मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स ये है जैसे एक मुर्गे का खुड्डा होता है ना, ये है कबूतरों का घर। एक कबूतर अंदर बैठा हुआ कह रहा है मैंने नहीं बाहर निकलना, सो नहीं बाहर निकला, वो अंदर ही बैठा हुआ है। फ्रेंड्स ये है एक घर, जिसमें खेत में एक जो खेत में लोग रहते हैं अपने खेत की रखवाली के लिए, तो उनका एक छोटा सा कमरा है। और देखें जी फ्रेंड्स, कबूतर कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कितने माशाल्लाह कितने क्यूट हैं, कभी उड़ के कहीं जा रहे हैं, वो देखे उड़ के अब डेरे से खेत में चले गए। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा कितना प्यारा सा, माशाल्लाह कितना बड़ा है फिश फार्म, और ये है हमारा मुर्गियों का घर, कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर हमारी मुर्गियाँ मज़े ले रही हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर मटक रहा है, कोई उधर घूम रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने मुर्गे को ज़िबा करने लगे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोगों ने मुर्गे पाले हुए हैं, तो फिर हम लोगों ने एक मुर्गे को ज़िबा कर लिया, और मुझे बहुत डर लगता है, मैं कोनी में जाके दाऊ के पास बैठ गई, मैं नीचे मुँह कर ली, उन्हें बहुत डर लगता है। सो फ्रेंड्स, घर में पले हुए देसी मुर्गे का अलग ही टेस्ट होता है, और अभी हम लोग उसकी रेसिपी बनाने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने देसी मुर्गा ज़िबा किया था, तकरीबन वो 750 ग्राम है। फ्रेंड उसके बाद मम्मा ने ले लिया 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 प्याली दही, 1 बड़ा प्याज और 2 टमाटर हम लोगों ने कट कर लिए, 1 मोटी इलायची, 3-4 लौंग और 2-3 काली मिर्चें, इसमें 2-3 सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया भी जाएगा।
फ्रेंड्स हम लोगों ने चिकन को धो के अच्छे से ड्राई कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक मिट्टी की हंडिया में पानी, एक कप पानी, दो कप पानी डाल के उसके अंदर हम लोगों ने चिकन डाल दिया, उसके अंदर टमाटर और प्याज डाल दिए जो कि हम लोगों ने कट किया था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, उसके अंदर फिर सारी स्पाइसेस वगैरह डाल दी हैं और जो हमारा फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो हमारा आज की ये देसी मुर्गी का शोरबा है बड़ा मज़े का बनने वाला है। फिर इसको 10-15 मिनट के लिए कवर कर दें। उसके बाद जब इसका ढक्कन उठाया ना, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, इतनी मैं आपको सुंघा तो सकती नहीं हूँ ना, लेकिन बड़ी मज़े की आ रही थी। सो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, सारी रेसिपी मेरी बड़ी मज़े की बनती हैं। सो फ्रेंड्स 20-25 मिनट कवर करके पकाने के बाद जो हमारा चिकन जब सॉफ्ट हो चुका था उसके अंदर मम्मा ने फिर हाफ प्याज घी डाल दिया। उसके बाद मम्मा ने इसमें हाफ टेबल स्पून हरा मिर्च और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च डाल दी है। उसके बाद फिर मम्मा ने इसमें जो हाफ प्याली दही था वो भी डाल दी और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आज की रेसिपी बड़ी बड़ी मज़े की बनने वाली है। उसके अंदर मम्मा ने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी दो तीन। फ्रेंड्स आप लोगों ने इसका इतना भूनना है कि ताकि जो इसका घी है वो सेपरेट हो जाए, और हमारा जो घी है वो सेपरेट हो चुका है। और फिर मम्मा ने थोड़ा सा चिकन मेरे लिए निकाल लिया है क्योंकि मैं शोरबे वाला नहीं खाती, मैं सादा चिकन खाती हूँ। ये वाला मुझे बड़ा इस तरह का मज़े मसाले वाला चिकन मैं खाती हूँ और ये वाली भी एक रेसिपी बन सकती है। और मम्मा ने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, शोर तकरीबन 1.5 ग्लास मम्मा ने इसमें पानी डाल दिया जो कि अब हमारा शोरबा बनेगा और फिर इसको कवर कर 10-15 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स हमारा शोरबा हो चुका है 10-15 मिनट के बाद अच्छी तरह रेडी। और उसके बाद फिर मम्मा ने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया। उसके बाद मम्मा ने जो हमारा चिकन का शोरबा है उसको डिश आउट कर लिया और फिर उसके ऊपर से इसकी गार्निश कर दी है। फ्रेंड्स हमारे देसी मुर्गी का शोरबा इतना मज़े का बना था ना, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।